परमिशन को समझ रही। सर आप पर्चा काटें फाज इब्राहिम के खिलाफ। नहीं सर नहीं, आप फाज इब्राहिम के खिलाफ पर्चा नहीं काटेंगे, आप मनहिया कफायत अली के खिलाफ पर्चा काटेंगे। काटें काटें। लो धाड़ो धाड़ भाई, जरा चाइना की माल की अकल चेक कर लें। पर्चा कटवाने आया है वो भी बीवी के खिलाफ, शोहर के अगवा का। वाह तू मेरे साथ है। क्या जबरदस्त बाउंसर मारा लाले ने। चुप करके खड़ा हो जा वरना ऐसी गुगली करवाऊंगा कि थाने से बाहर फेंकवा दूंगा। हाय मेरा तो दिल का भर गया मेरा दिल। पता नहीं मेरी बेचारी मासूम पोती को किधर ले गया इसका खरांट पोता। मेरे पोते को कहाँ आती हैं ये सारी चालाकियाँ। ये सारा किया धरा तो इसकी पोती का है, बेहया है ना। सर आई नो द लॉ, काटे पर्चा काटे सर प्लीज। ये आ जाओ। ये क्या हो रहा है, क्या करे हम लोग सब यहाँ। लो जी आप अपने दाम में सयाद आ गया। ये लड़की कौन है भाई? सर यही तो वो लड़की है मनीहा कफायत अली जिसके चक्कर में हम सारे यहाँ आए हैं। हेलो कर लो क्यों पांडा। बेटा का दिमाग खराब थी गाये। सलाम भाई जी सलाम। अरे बड़े बा आपके भाई लाहौर से, और बेबे ये हो क्या रहा है यहाँ पे सब? सुफराल नहीं भिजवाऊंगी, फिल्म की शूटिंग हो रही है। बाजी का गुस्सा आप मुझ पर क्यों उतार रही हैं? दिमाग बंद रखो, इस सारा फसाद तुम ही ने तो डाला है। मैंने नहीं, मीनू बाजी ने डाला है। आप सबके सामने शॉपर में कपड़े डालकर गई थी वो। तो फेसबुक पे स्टेटस क्यों डाला? वो तो फीलिंग सेट के साथ डाला था कि क्या पता है वो देखकर वापस आ जाएं। करीस करीस मुबारक हो, फाजी और मीनू मिल गए। किधर है मीनू की बच्ची? आज मैं इस चप्पल से उसकी मरम्मत करूंगी, सारी जिंदगी याद रखेगी। अब थाने में है वो, अभी भी वलीद का फोन आया था। फीलिंग हैप्पी का स्टेटस लगा दो। तुम्हारी फीलिंग हैप्पी का तो मैं जनाना निकाल के दम लूंगी। चप्पल दो मेरी। अरे अरे करीस आराम से, ताया बाबी पहुंच गए। इंशाल्लाह अब अम्मा और बेबी की काफी टक्कर हो जाएगी। लग रहे ऐसा ही हो।